हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मूडी फूडी। आज मैं लेफ्ट ओवर राइस उत्तपम की रेसिपी लेके आ गई है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट ओवर राइस उत्तपम बनाने के लिए मैं एक कटोरी लेफ्ट ओवर चावल लिए हैं। इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें हांकर डाल रही हूँ। दोनों को मैं अच्छे से मिला लूँगी, मिला के मैं एक पेस्ट बना लूँगी। मेरा पेस्ट बन गया है, अभी मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लूँगी। अभी मैं उस बात में थोड़ा सा पानी देके बैटर को डाल लूँगी। अभी मैं उसमें सूजी डालूंगी। आपको याद रखना है जितना चावल उसका आधा सूजी लेना है। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। सब चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। व्यूअर्स, मेरा आधा घंटा हो गया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाली थी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। अभी मैं कुछ सब्जी लिए हैं, देखिए प्याज है, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, फाइनली चॉप किया हुआ अदरक और कोरिएंडर लीव्स। ये कुछ सब्जियों को मैं एक साथ मिला लूँगी। अभी उसमें मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं उत्तपम बनाना चालू कर रही हूँ, तो उसके लिए पहले से मैं पैन में तेल गरम करने के लिए डाल दी थी। मेरा तेल गरम हो गया है। देख सकते हैं मैं बैटर को डाल दी हूँ तेल में। अभी गैस का फ्लेम लो करके मैं इसमें सब्जियों को डालूंगी। कभी कभार चावल बच जाने से इसको आप नाश्ता में बना के खा सकते हो। व्यूअर्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं सब्जियों को डाल रही हूँ। मेरा गैस का फ्लेम लो में है। अभी मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए। मेरा एक साइड हो गया है, अभी इसको मैं पाल्टी करूंगी। देखिए मैं पाल्टी कर ली हूँ। अभी इसको भी ढक के मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। इसमें उत्तपम ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। रेसिपी अच्छा लगे तो मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए व्यूअर्स, मेरा उत्तपम बन गया है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।